हेलो फ्रेंड्स, योर ऑल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है जिसका नाम है हेप्टाग्लोबिन सिरप। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाले हैं, जानेंगे कि हेप्टाग्लोबिन सिरप जो है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और यह किस तरह का यह सिरप है और इसे किस तरह से प्रयोग में लेंगे ताकि आपको इसके ज़्यादा फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए हेप्टाग्लोबिन सिरप के बारे में तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्योर ऑल और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यह जो प्रोडक्ट है इसी का नाम हेप्टाग्लोबिन सिरप रखा गया है। देखिए ये ठीक इसी तरह के इसके जो पैक आते हैं और देखने में ठीक इसी तरह लगते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा हेप्टाग्लोबिन सिरप के डब्बे। इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो हेप्टाग्लोबिन सिरप के बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप इसे इस्तेमाल में लेंगे तो। जैसे कि आपके शरीर में खून की कमी है तो आप उस स्थिति में भी आप इस प्रोडक्ट को यूज में ले सकते हैं। पौष्टिक मूल, यानी आपके शरीर में कुछ पौष्टिक चीज़ों का कमी है तो आप इसे अगर इस्तेमाल में लेते हैं तो आपको वो सारी समस्याओं दूर हो सकती है। गर्भावस्था जैसी समस्याओं में यह काम करती है, शैशव जैसी समस्याओं में यह काम करती है, बचपन की रक्तहीनता के उपचार में, यानी बचपन से ही आपके शरीर में बहुत खून की कमी है तो आपके लिए यह जो प्रोडक्ट है हेप्टाग्लोबिन यह बहुत ही रामबाण की तरह आपको साबित होने वाली है। लोहे की कमियां में यह बहुत ही अच्छी साबित होती है। अगर आपके शरीर में लोहे की कमियां हैं यानी आयरन की कमी है, या आप पाचन विकारों जैसी समस्याओं में, यानी आपके शरीर में जो भोजन है वो अच्छी तरीक़ा से पच नहीं पा रहा है या डाइजेशन जो प्रोसेस है वो सही तरीक़ा से नहीं हो पा रहा है तो आप उस स्थिति में भी आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं। या खांसी है या सर्दी है या फॉलिक एसिड की कमी है तो आपको लिए यह जो प्रोडक्ट है हेप्टाग्लोबिन यह बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है और यह बहुत सारी चीज़ों में यह काम करती है। तो अगर आप इसे इस्तेमाल में लेंगे तो आपको ज़्यादातर इसके फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हेप्टाग्लोबिन सिरप है जो कि यह जो प्रोडक्ट है यह 450 ml का प्रोडक्ट है। इसमें 450 ml जो सिरप मौजूद हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा गया डब्बे पे विग्योर हेल्थ। तो इसमें जैसा कि देख रहे होंगे प्रत्येक 5 ml में किस तरह से इसका कंपोजिशन डाला गया है। तो इसमें जो कंपोजिशन है इसमें बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन डाला गया है, जैसे कि फोलिक एसिड, एथेनॉल, पेलेंटेबल, टोटल एल्कोहल इसमें दिया गया है। इस तरह से इसमें बहुत सारे कंपोजिशन को यूज कर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट को तैयार किया गया है जिसका नाम रखा गया है हेप्टाग्लोबिन सिरप। तो ये खासकर गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। देखिए आप सही सही देख पा रहे होंगे, इस चीज़ को देखने में ठीक इसी तरह लगती है। चलिए मैं आगे खोल के देखता हूँ कि इसके जो अंदर जो सिरप के जो डब्बे होते हैं वो किस तरह दिखते हैं। देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। देखिए इसके जो डब्बे हैं ठीक इसी तरह इसके डब्बे आते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइस 279 rupees है, यानी आप 279 rupees में आप इसे परचेज कर सकते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसे आप परचेज कर सकते हैं। अगर इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में बात करें तो इसकी एक्सपायरी डेट देखिए दिसंबर 2016 है और नवंबर 2020 तक इसकी एक्सपायरी डेट रखी गई, यानी 4 साल इसकी एक्सपायरी डेट होती है या आप 4 सालों तक आप इस प्रोडक्ट को यूज में ले सकते हैं। देखिए लाइसेंस नंबर दिया गया है और बहुत सारा जो चीज़ है इसमें दिया गया है, अगर आप इसे बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए
आपको सेवन करने के लिए इस तरह का एक ढक्कन दिया गया है। आपको ठीक यहाँ तक इस ढक्कन में निकाल लेना है ये जो इसमें सिरप है और आपको सेवन करना है। तो आपके इसके फ़ायदे जो हैं देखने को मिल सकते हैं। यह जो हेप्टाग्लोबिन जो सिरप होते हैं उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें एल्कोहल, एलिमेंट्री आयरन, फेरस एमोनियम और इसमें एमोनियम साइट्रेट, फॉलिक एसिड, लीवर फैक्टर इसमें यह जो सिरप में है वह उपलब्ध है, जिस कारण है जो कि यह जो सिरप है उतना फ़ायदेमंद होती है फीमेल्स के लिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि यह जो प्रोडक्ट है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला, खून की कमी। दूसरा, रक्तहीनता के उपचार के लिए यानी खून की कमी के लिए। तीसरा, लोहे की कमी के लिए यानी आपके शरीर में आयरन की कमी है तो, या पाचन विकार जैसी समस्या के लिए, या खांसी के लिए, सर्दी के लिए, फोलिक एसिड की कमी के लिए, मध्य तंत्रिका तंत्र अवसाद के लिए, जीवाणु और कवकीय संक्रमण के लिए, जीवाणु युक्त बीजाणु के लिए, दर्दनायक के लिए। तो आपने जाना कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल में लेंगे तो आपको इसके फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ जो चीज़ है इसके दुष्प्रभाव भी आपको देखने को कभी कभी मिल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ जो चीज़ होती है वो सूट नहीं करती है तो उस स्थिति में आपको इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट फूलना, कब्ज होना, बेहोशी होना, उल्टी होना, सिर दर्द होना। तो ऐसी समस्याएं कभी कभी देखने को मिल सकती है लेकिन ज़्यादातर इसकी जो है फ़ायदे ही देखने को मिलती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि यह जो प्रोडक्ट है उन लोगों को यह नुकसान करती है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से हेप्टाग्लोबिन सिरप के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरा साथ दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो बहुत सारे लाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।